प्रसव के दौरान अच्छी देखभाल। बच्चे का जन्म हर परिवार के जीवन में अनोखा अनुभव होता है और माँ के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर महिलाओं को अकेले प्रसव के लिए छोड़ दिया जाता है। उनकी पीठ पर फ्लैट और व्यस्त प्रसव कक्ष में असमर्थित महिलाओं की अच्छी देखभाल के लिए उनकी जरूरत प्रति संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की जरूरत है। माँ की सहायता करना उसके प्रसव को आसान, छोटा और सुरक्षित बना सकता है। इस वीडियो में आप उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप गर्भवती माँ की मदद कर सकते हैं और विश्वास की भावना बढ़ा सकते हैं। इससे अच्छा परिणाम मिलता है। एंटीनेटल विजिट के दौरान गर्भवती महिलाओं से प्रसव, जन्म की प्रक्रिया और खतरे के निशाने के बारे में बात करना शुरू करें। पूरी जानकारी मिलने से महिलाएं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती हैं। साथियों को साथ रहने दें। उसे अपनी पसंद का एक भरोसेमंद सहायक चुनने दें, जो उसके बारे में परवाह करता है और उसकी मदद करना चाहता है। साथी के लगातार समर्थन से माँ को आराम और कम पीड़ा का अनुभव होता है। इससे प्रसव की प्रगति अच्छी होती है। साथी को शामिल करें, वे माँ की देखभाल करने में हाथ बटाएंगे। माँ को सुरक्षित रखें, उसे शांत स्थान देने का प्रयास करें, लोगों की दखल अंदाजी से दूर। प्रक्रियाएं और दवाइयों को दूर रखें जब तक उनकी जरूरत ना हो। इससे अनावश्यक जोखिम हो सकता है। माँ को प्रसव की प्रक्रियाओं के बारे में बताएं, जिससे वो आराम और आत्मविश्वास बनाए रखे। उसके सवालों का उत्तर दें। खास करके जब महिला पहली बार गर्भवती हो तो संकुचन का दर बढ़ने से पहले ही प्रसव के दौरान क्या क्या हो सकता है उसकी जानकारी दें। प्रसव के दौरान माँ के लिए स्पर्श लाभदायक होता है, पर ध्यान दें कि माँ को कैसा स्पर्श चाहिए। ये सब संभावनाएं हो सकते हैं। संकुचन के दौरान कमर के नीचे मालिश करें। संकुचन के बीच में खासकर कंधों और पीठ की मालिश करें। ठंडे कपड़े से माँ का चेहरा पोंछे और रीढ़ की हड्डी के नीचे जोर से दबाएं। ये पीठ में महसूस प्रसव के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। आवाज करने से दर्द को सहने में मदद होती है। धीमी आवाजें जैसे आहें भरना, कराहना, गुनगुनाना, ये सब करने पर माँ को आराम मिल सकता है। गर्भवती को किसी भी प्रकार की आवाज करने पर चीखने से मना करें। इसे माँ नियंत्रण से बाहर और ज्यादा तनाव महसूस कर सकती है। प्रसव के दौरान माँ को घूमने और चलने को कहें। सीधे स्थिति में रहने से प्रसव में मदद होती है। महिला और उसके साथी को आरामदायक स्थितियों के बारे में बताएं। स्थायी और चलना, पैरों पर बैठना, घुटनों के बल झुकना और अन्य सीधी स्थितियां प्रसव को तेजी से बढ़ा सकती हैं। माँ को बताएं कि पीठ के बल सोने से प्रसव की प्रगति धीमी हो सकती है और संकुचन बहुत दर्दनीय हो सकता है। माँ को धीमी गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे बच्चे को हवा मिल रही हो।
माँ को उसकी ताकत को बचाने में मदद करें। वह संकुचन के बीच करवट लेकर आराम कर सकती हैं, भले ही प्रसव शुरू हो रहा हो। माँ को बार बार पानी या जूस पीने को कहें। प्रसव में महिलाएं शारीरिक पानी और ऊर्जा को जल्दी से इस्तेमाल करती हैं। अगर उसके होंठ सूखे हो, पल्स की गति तेज हो और पेशाब कम मात्रा में करे तो उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। माँ को हर एक घंटे में कम से कम एक कप पानी या चाय, फल का रस और शहद जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर वह जरूरत मात्रा में जल पानी का सेवन नहीं करेगी तो वह थकान महसूस करेगी और उसका प्रसव लंबा और मुश्किल हो सकता है। गर्भवती को हर कुछ घंटे में पेशाब करने को कहें। पेशाब की थैली भरी होने से प्रसव का लंबा हो सकता है। अगर वो चल नहीं सकती तो उसे बेड पैन दे और पेशाब करने को कहें। हर गर्भवती को स्नेह, आदर और ध्यान की जरूरत होती है। देखिए और सुनिए कि वो क्या अनुभव कर रही है। उसे प्रोत्साहित और प्रशंसा करें ताकि वे मजबूत और आत्मविश्वास महसूस करें। उसे आराम करके और उसके प्रसव का स्वागत करने में मदद करें। ध्यान दें, प्रसव में मदद अच्छा परिणाम लाता है। एक साथी गर्भवती माँ और व्यस्त नर्स को प्रसव के दौरान मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। आराम, चलना, पानी पीना और पेशाब करना, ये सब प्रसव की प्रगति में मदद करते हैं। Oh, okay. 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 Okay.